Hello viewers, welcome back to my channel, that is CPA Nidhi Nadwar classes. Today we'll discuss another topic from contract law, that is consideration. So let's see what is consideration and why it is important in a contract. So let's see what is consideration. So before reading जो स्क्रीन पे दे रखा है उससे पढ़ने से पहले हम जनरल टर्म्स में समझ लेते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है. सपोज करो ए ने बी को ऑफर दिया कि आई वॉन्ट टू बाय अ कार ओके फॉर ₹5 लाख. तो बी के लिए यहाँ क्या कंसिडरेशन है? ₹5 लाख. क्योंकि अगर बी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे क्या मिलता है एज कंसिडरेशन? उसे पैसे मिलते हैं, दैट इज़ ₹5 लाख. और ए को क्या मिल रहा है? ए को मिल रही है कार. सो कंसिडरेशन के लिए हमने एक टर्म यूज़ किया है, दैट इज़ क्विड प्रो. लेट मी सी, द टर्म इज़ क्विड प्रो क्यो, दैट इज़ समथिंग इन रिटर्न, कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिलना. सो बी को मिल रहे हैं पैसे और ए को मिल रही है कार. सो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है. सो दैट इज़ द कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट. सो कुछ भी अगर एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलता है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन. और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि असेंशियल एलिमेंट्स में इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ कंसिडरेशन, क्योंकि अगर कंसिडरेशन नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा. सो देयर हैज़ टू बी समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज़. अब हम डेफिनेशन देखें तो फर्स्ट है कंसिडरेशन इज़ द बेनिफिट दैट ईच पार्टी गेट्स और एक्सपेक्ट्स टू गेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन एक तरीके का बेनिफिट होता है जो दोनों पार्टीज़ को मिलता है आपस में उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने से. अब वो ये जो वर्ड बेनिफिट है वो किसी भी तरह से हो सकता है. बेनिफिट हो सकता है मॉनिटरी फॉर्म के अंदर, बेनिफिट हो सकता है आपको कोई मटेरियल चीज़ मिल रही है जैसे कि कार मिल रही है, या बेनिफिट हो सकता है कि कोई चीज़ का ना करना जैसे आपके अगेंस्ट कोई डिफेमेटरी केस पास लॉसूट फाइल करना चाहता है, जैसे मानहानि का दावा करना चाहता है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम मुझ पर केस फाइल मत करो, मैं तुम्हें इतना रुपये दूंगा. तो ये भी एक तरीके का बेनिफिट है जो कि कैश में नहीं है, जो कि किसी मटेरियल फॉर्म में नहीं है, बट किसी चीज़ का ना करना, दैट इज़ केस को फाइल ना करना. तो ये भी अपने आप में एक बेनिफिट है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड कंसिडरेशन. अब सेक्शन 2D की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें लिखा है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसज टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एन एक्ट और एब्सिस्टेंस ऑफ प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस. मतलब अगर प्रोमिसर की डिज़ायर पर, मतलब जो ऑफर कर रहा है, ए ने ऑफर किया था कि आई वॉन्ट टू बाय अ कार, तो ए के डिज़ायर पर अगर बी 5 लाख रुपीज़ के लिए रेडी हो जाता है अपनी कार देना, सो दैट 5 लाख रुपीज़ इज़ कंसिडरेशन फॉर द ए एंड दैट कार इज़ कंसिडरेशन फॉर द बी. आई मीन दैट कार इज़ कंसिडरेशन फॉर द ए एंड 5 लाख रुपीज़ इज़ कंसिडरेशन फॉर द बी. सो जनरली ये होता है कि कंसिडरेशन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होता है, और वो प्रोमिसी के द्वारा भी दिया जा सकता है या प्रोमिसी के बिहाव पे कोई और भी दे सकता है. दैट इज़ 5 लाख रुपीज़ या तो प्रोमिसी दे रहा है या उसके बिहाव पे कोई और पर्सन अगर प्रोमिसर को दे रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड कंसिडरेशन. नाउ लेट्स डिवाइड द डेफिनेशन विच वी हैव रेड इन टू स्मॉलर टर्म्स सो वी कैन एक्सप्लेन इट बेटर. सो फर्स्ट इज़ कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. मतलब कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर के थ्रू, उसकी मर्जी के थ्रू आना चाहिए. जैसे कि इस केस में हमने देखा ए ने बी को ऑफर किया कि आई वॉन्ट टू बाय योर कार. सपोज करो वो जिस कार की बात कर रहा है दैट इज़ द रेड कार. बी के पास में दो कार है, एक रेड है एक ब्लू है. सो ए ने ऑफर दिया आई वॉन्ट टू बाय योर रेड कार फॉर ₹5 लाख. बी ने ऑफर एक्सेप्ट किया बट फॉर द ब्लू कार. वो बोल रहा है कि ब्लू कार मैं 5 लाख रुपीज़ में देना चाहता हूँ. सो दैट इज़ नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज ऑफर किसके लिए था और किसके डिज़ायर पर होना चाहिए था? ऑफरर के थ्रू. तो ऑफरर वॉन्ट्स ए रेड कार इन रिटर्न फॉर ₹5 लाख. सो रेड कार विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर द ए नॉट द ब्लू कार. सिमिलरली जैसे एक एग्जाम्पल लो कि सपोज करो एक स्कूल ने एक टीचर को हायर किया टू टीच द इकोनॉमिक्स फॉर द मंथली ₹1 लाख सैलरी के ऊपर. सो द टीचर केम एंड द टीचर टीचेज द इकोनॉमिक्स एज वेल एज द टीचर टीचेज द अकाउंट्स ऑल्सो, क्योंकि उसको पढ़ाना अच्छा लगता था एंड शी टीचेज द अकाउंट्स ऑल्सो. नाउ शी इज़ क्लेमिंग दैट आई शुड गेट मोर अमाउंट इन अ सैलरी, बट उसको सैलरी मिलेगा ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसको कंसिडरेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा बिकॉज कंसिडरेशन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए था. स्कूल यहाँ पर प्रोमिसर था एंड स्कूल ने, स्कूल का डिज़ायर था टू टीच द इकोनॉमिक्स फॉर द टीचर. सो इकोनॉमिक्स टीच किया, वही स्कूल के लिए जो है वैलिड कंसिडरेशन है, नॉट द अकाउंट्स. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि जो कंसिडरेशन है इट मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द
प्रोमिसर, कि प्रोमिसर के डिज़ायर पे ही कंसिडरेशन जो होता है वो होना चाहिए, तभी उसको वैलिड माना जाएगा. नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट कंसिडरेशन मे बी सम एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रोमिस. दैट इज कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट. एक्ट मीन्स कोई भी पॉजिटिव एक्ट या कोई भी नेगेटिव एक्ट, किसी चीज़ को करना या किसी चीज़ को नहीं करना. सो अगर ए प्रॉमिस कर रहा है आई वॉन्ट टू बाय अ कार फॉर रुपीज 5 लाख, सो दैट इज़ एन एक्ट, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कि तुम मुझे कार दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, दैट इज़ एन एक्ट. और इट मे बी एन एब्सटिनेंस. एब्सटिनेंस मीन्स एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कि कुछ ना करना, दैट इज़ नेगेटिव कंसिडरेशन. जैसे मैंने बताया कि डिफेमेट्री सूट पास मत करो, आई विल पे यू रुपीज 5 लाख, सो दैट इज़ एक्ट ऑफ डूइंग नॉट डूइंग समथिंग, सो दैट इज़ एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस. सो कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है या कुछ ना करना भी हो सकता है. एंड थर्ड, इट मे बी अ प्रोमिस. इट मे बी अ प्रोमिस, वही दोनों चीज़ें ऊपर वाली, कि इट मे बी अ प्रोमिस टू डू समथिंग और इट मे बी अ प्रोमिस नॉट टू डू समथिंग. सो कंसिडरेशन एक एक्ट भी हो सकता है, एक एब्सटिनेंस हो सकती है या फिर एक प्रोमिस हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. मतलब कि अगर ए ने बी को ऑफर किया कि आई वॉन्ट टू बाई अ ब्लू कार फॉर रुपीज़ 5 लाख, सो दैट रुपीज़ 5 लाख कैन बी पेड बाई द बी और दैट रुपीज़ 5 लाख कैन बी पेड बाई सम एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द बी. सपोज करो बी के पास में बी का कोई क्या बोलते हैं कोई फ्रेंड है, दैट विल पे रुपीज़ 5 लाख फॉर बीज बिहाफ. सो इट कैन बी फ्रॉम द प्रोमिसी और इट कैन बी फ्रॉम एनी अदर पर्सन. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. इनफैक्ट ये जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वी विल रीड सेपरेटली इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी जस्ट टू नो कि कंसिडरेशन क्या होता है, हम ये छोटे तरीके से इसको यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं. सो ओके, सो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. प्रेजेंट हमें पता है कि सेम टाइम पे होना, कि बी ने ऑफर करा कि आई वॉन्ट बाई अ कार फॉर रुपीज़ 5 लाख, सो कार वो अभी दे रहा है और साथ के साथ पैसा दे रहा है, सो दैट इज़ अ प्रेजेंट कंसिडरेशन. पास्ट कंसिडरेशन जहाँ पे कंसिडरेशन पहले आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनता है. जैसे सपोज करो ए ने बी को बोला कि तुम मुझे बहुत सस्ता सा जो है एक कार ढूंढ के लेके आओ, मेरी ये स्पेसिफिकेशन है, ये कार ऐसी होनी चाहिए, मुझे सेकेंड हैंड कार चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन है, मुझे 10,000 के अंदर कोई कार चाहिए. सो बी एक एजेंट था, उसने कार ढूंढी, अब बी वो कार लेके आता है. सो बी ऑलरेडी वो कार सर्च कर चुका है, लेके आ चुका है. नाउ ए इज़ गिविंग दी ऑफर कि ओके, मैं ये कार जो है रुपीज़ 15,000 के अंदर परचेज करने के लिए रेडी हूँ. सो ए का वो एफर्ट जिसमें इसने सारी कार ढूंढी और ये सब करा, दैट वॉज अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर बी फॉर रुपीज़ 15,000. फ्यूचर कंसिडरेशन जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है बट कंसिडरेशन बाद में आएगा. जैसे हम नहीं पढ़ते कि किसी किसी ट्रांजेक्शन में होता है कि ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 50,000 का माल सप्लाई करूँगा, सो माल तुम मुझे एक महीने बाद डिलीवर करोगे और पैसा मैं तुम्हें उसके भी 15 दिन बाद भी दूंगा. सो दैट इज़ अ फ्यूचर कंसिडरेशन. गाइज मैं अभी ये बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक टॉपिक को लेंगे और उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अपने आप में बहुत डिटेल तरीके से समझने ज़रूरी है. अभी सिर्फ इसको शॉर्ट फॉर्म इसलिए समझाया है कि जस्ट यू नो कि कंसिडरेशन एक्चुअली होता क्या है. सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया हुआ हो कि कंसिडरेशन क्या होता है. एंड प्लीज़ इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल, यू लाइक माई वीडियोज़, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. इधर एक बेल आइकन होता है नीचे, उसको प्रेस करो ताकि कोई भी जब वीडियो मैं डालूं तो आप लोग को पता चल सके कि वेन आई हैव अपलोडेड द वीडियो. प्लस मेरा इंस्टा पे भी चैनल है CP निधि लडवाल करके, सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.